हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज वर्क जस्ट सी ए पार्ट मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू फर्स्ट एग्जांपल इज डन फॉर यू दे एयरप्लेन्स फ्लाई सो वी जस्ट करेक्ट इट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सेंटेंस दे फ्लाई एरोप्लेन्स सॉरी एयरप्लेन्स ओके नाउ सी द सेकेंड वर्ड लव्स डैडी डॉग्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल डैडी फिर उसकी एक्शन वर्ड लव्स डॉग्स एंड देन फुल स्टॉप नाउ सी द थर्ड वर्ड राइट स्टोरीज सनी तो सनी राइट्स स्टोरीज सो इन दिस वे यू जस्ट करेक्ट इट एंड देन राइट नेक्स्ट है ड्रॉ दे स्केचेस यू जस्ट राइट हियर दे ड्रॉ स्केचेस नेक्स्ट इज सौम्य लाइक कुकीज तो सौम्य सॉरी लाइक कुकीज सौम्य सौम्य लाइक्स कुकीज फुल स्टॉप नेक्स्ट इज ही इज माई ब्रदर सो इन दिस वे यू जस्ट कंप्लीट ऑल दिस एक्सरसाइज वर्क ओके नाउ सी स्टूडेंट्स अनदर वन थिंग और मोर इन अ पिंक बॉक्स वी हैव टू क्लियर यू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेज वेयर फीलिंग इमोशंस डिस्क्रिप्शंस आर एक्सप्रेस्ड इट हैज़ फॉलोड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जो एक तो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं नाउन या प्रनाउन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम इज एम आर बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं और सी आई एम हैप्पी King is angry, the cat is sad. In all these sentences, you can see first is noun or pronoun and then second in between am, is or is again आया हुआ है और उसके बाद describing word. Describing word मतलब जो उसकी कोई ना कोई quality बताते हैं like happy है angry है sad है तो इस तरीके के sentences में भी हम end में full stop लिखते हैं starting में first letter capital लिखते हैं और बीच में helping verb करते हैं first is done for you unhappy is my mother is unhappy so like that asleep is Anjali तो हम लिखेंगे Anjali is asleep तो Anjali का एक capital then is then asleep then full stop so like this we just complete all these exercise I also share you PDF then you can do the work very easily and complete it thank you students